देखो जी साढ़े सेंटर नरोड जैमल सिंह विखे खेडा वतन पंजाब दियां दे तहत वख-वख स्कूलों तो इत्थे अध्यापक अपने नन्हे मुन्ने बच्चों नूं लै के आए है और सारे बच्चे ने पुरजोर इन्हां खेडां दा मुकाबलियां दा आनंद माणिया। साडा जिन्ना भी स्टाफ इत्थे वख-वख स्कूलों तों पहुंचा है उन्होंने बहुत ही सुचजे ढंग दे नाल सहयोग दिता है तो ये खेडां वतन पंजाब दियां उन्हां नूं जिहड़ा नेपरे चढ़िया है तो इस खेडां नूं नेपरे चाढ़न दे विच साढ़े सी एस टी श्री घनश्याम महाजन जी तो वख-वख स्कूलों तो जिहड़े अध्यापक आए ने उन्होंने भी जिहड़ा अपना पूरा सहयोग दिता है तो सरकार दियां हदायतों के मुताबिक इन्हां खेडां दे विच किसी भी तरह का जिहड़ा कोई भी विघन नहीं होया तो बड़े ही कुशल ढंग के नाल जिहड़ा इन्हां नेपरे चाढ़िया गया तो छोटे बच्चों नूं भी जिहड़ा रिफ्रेशमेंट का इत्थे पूरा प्रबंध किया गया सी ते हर जिहड़ी सुविधा भी इत्थे जिहड़ी है प्राप्त सी ते सो इस करके असी वख-वख स्कूलों तो जिहड़े आए अध्यापक है तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे है उन्हां दा बड़े ही तह दिलों जिहड़े शुक्रिया गुजार करदे। इस मौके ये कहना चाहवांगा कि पढ़ाई के नाल नाल खेडां दा ही उन्ना ही महत्व है जिन्ना कि पढ़ाई का। जेकर साडे बच्चों की सेहत अच्छी होगी वो पढ़ाई भी अच्छी करनगे। क्लस्टर नौरजान सिंह अधीन आते 16 सरकारी 6 प्राइवेट स्कूलों ने भाग लिया जिस विच असी जेतू टीमों इनाम मान समारोह भी कर जा रहे हैं। स्कूल ज़्यादा होने करके ये खेडा लगभग 3 दिन तो चल रही हैं। असी चाहते हाँ कि साड़िया खेडा ब्लाक लैवल भी क्लस्टर नौजवान सिंह पहले दर्जे से आए। जेकर जिले की गल आए तो साडा ब्लाक फस्ट नंबर से आए, ब्लाक बमियाल फस्ट नंबर से आए। जेकर पंजाब की गल की जाए तो साडा जिला पठानकोट पहले दर्जे से आए। मैं यही शुभकामना करना तो मैं एक अरदास भी करना। हुंदे विच काफ़ी बच्चे लैवल गेमां करवाइया जा रही जिस तरह कबड्डी, खो खो, शॉटपुट, टैगोवार, इस तरह कुछ काफ़ी होर भी खेड है जी हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रहे हैं। मेरा पहला इन्हों का प्रोग्राम करवादा सी 2 दिन तो मेरी गेम खत्म हो जाएगी पर गेम ज़्यादा होने करके स्कूल इस क्रस्टर भी ज़्यादा होने करके ये गेम 3 दिन चलाई जा रही हैं और इन प्रबंध भी पूरा किया गया है। किसी भी बच्चे खाने के वाझा नहीं रखा गया, हर रिफ्रेशमेंट दी जा रही है, हर जो स्टाफ ड्यूटी लगाया जा रहा और तनदेही काम कर रहा है, किसी नाल भी पार्शियलिटी नहीं की जा रही। मैं आस करता हाँ कि मेरा स्कूल मेरा क्लस्टर जरा हर पासों फस्ट नंबर से आए। मैं बिल्कुल गल कहना चाहवागा जोड़े लोग प्राइवेट स्कूलों पा रहे उन्होंने इस बारे पूरी हकीकत का पता भी नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले जो सरकारी स्कूलों सहूलत दी जा रही हैं ये किसी भी स्कूल में मिल सकती है। जिस तरह वर्दी है हर बच्चे प्री तो भी सरकार ने शुरू करता है, पहला मिड डे मील सिर्फ पहली तो पंजवीं दिता जा रहे थे पर हूँ वो सरकार ने कुछ प्री प्राइमरी बच्चे जिस तरह उन्होंने भी ऐड कर दिया गया। हर पास यूनिफॉर्म है, वजीफा दे रही है सरकार और बुक्स दे रही है, हर फैसिलिटी दे रही है। सिर्फ अपील करना चाहवागा भी मेरे स्कूल में विजिट करो, मेरे सरकारी स्कूलों में विजिट करो, तुहानू सब कुछ चंगा देखने को मिलेगा। अगर ये ओपोजिट तुहानू गलत पाया जाता तो साडे नाल गल जरूर करो, मैं इस वास्ते तुहाडे चैलेंज स्वीकार करता। मैं सिर्फ यह संदेश चाहवागा सिर्फ उहदे विच कमी की आई है स्कूलों में खेडा की कमी आई है, होर बहुत ज़्यादा काम होने करके थोड़ा जहा बोल जाता अध्यापकों के। मैं चाहवागा प्राइमरी लैवल से भी एक स्पोर्ट्स अफसर या सॉरी स्पोर्ट्स टीचर एक अलग नियुक्त किया जाए जिस स्पोर्ट्स जो टीचर वो अपनी प्रॉपर कोई पीरियड फिक्स करके प्रॉपर रोज तैयारी करवाए, फिर इस करके बच्चे खेडों वाल ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर वो नशे तो दूर रहेंगे।